जय माता दी भक्तों, हर हर महादेव। हम सभी सर्वप्रथम देवी सूक्त का श्रवण करेंगे। देवी और महादेवी को हमारा नमस्कार है। भक्तों, मैं यहाँ हिंदी सरल भाषा में पाठ कर रही हूँ ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। देवी और महादेवी को हमारा नमस्कार है। शिवा को सदैव नमस्कार है। प्रकृति एवं भद्रा को नमस्कार है। नियम पूर्वक हम लोग जगन माता को नमस्कार करते हैं। रौद्रा, रुद्र स्वरूपा, नित्य गौरी, धात्री, ज्योत्सना, इंद्र रूपणी और परमानंदमयी देवी को निरंतर नमस्कार है। कल्याण करने वाली, वृद्धि और सिद्धि देने वाली भगवती को नमस्कार है। नैकृत राक्षसों की लक्ष्मी देवी को नमस्कार है। राजाओं के यहाँ राज लक्ष्मी के रूप में निवास करने वाली तथा सवाणी देवी को बारंबार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा, संसार सागर से पार करने वाली सारा सबकी सार भूता, सर्वकारिणी, ख्याति, विख्यात रूपणी, कृष्णा और धुमा देवी को सदा नमस्कार है। जो अति सौम्य तथा रौद्र रूपा है, उस भगवती को नमस्कार है। जगत प्रतिष्ठा और कृति स्वरूपा भगवती को बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कही जाती है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको बार बार नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में निंद्रा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको कोटि कोटि प्रणाम है, उनको बारंबार प्रणाम है। जो देवी सभी प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको कोटि कोटि प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, कोटि कोटि प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में शांति क्षमा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको कोटि कोटि प्रणाम है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, कोटि कोटि प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, कोटि कोटि प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, कोटि कोटि प्रणाम है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है, कोटि कोटि प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, कोटि कोटि प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, कोटि कोटि प्रणाम है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में वित्तीय रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, कोटि कोटि नमस्कार है, बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको कोटि कोटि नमस्कार है, बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको कोटि कोटि प्रणाम है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको कोटि कोटि नमस्कार है, कोटि कोटि प्रणाम है माँ। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है, उनको कोटि कोटि प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है माँ, कोटि कोटि प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब इंद्रियों की ओर से और संसार भर के प्राणियों के अधिष्ठात्री हैं तथा सब प्राणियों में निरंतर व्याप्त हैं, उन देवी को बारंबार प्रणाम है माँ, कोटि कोटि प्रणाम है। जो देवी संपूर्ण संसार में चैतन्य रूप से व्याप्त होकर स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको कोटि कोटि नमस्कार है, बारंबार प्रणाम है माँ। पूर्व समय में अपने अभीष्ट फल को पाने के लिए सभी देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी, देवेंद्र ने बहुत दिनों तक जिनकी सेवा की थी, वह सभी मंगलों के कारण भूता ईश्वरी हमारा कल्याण करे और मंगल करे तथा सभी आपत्तियों को नाश करे। प्रबल दैत्यों से कष्ट पाकर हम लोग जिनको प्रणाम करते हैं,
जो भक्ति भाव से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण करने पर तत्काल ही सभी आपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे कल्याणकारी भगवती हमारी आपत्तियों को दूर करें। माँ सभी आपत्तियों को दूर करें।